किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए पहले उसके इतिहास को जानना जरूरी है। भारत में समय समय पर अनेकों साम्राज्य की उत्पत्ति हुई। वक्त के साथ साथ कई साम्राज्यों ने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली। ऐसा ही दक्षिण भारत का एक साम्राज्य है विजयनगर। विजयनगर का अर्थ है जीत का शहर। आज इसकी पहचान हम्पी नामक एक खंडर से की जाती है, जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया है। हम्पी के मंदिरों और खंडहरों को देखकर यह पता चलता है कि वाकई में उस वक्त उसकी बराबरी का कोई नहीं था। आज हम आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में 12 ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आपको भारत के गौरवशाली इतिहास पर गर्व महसूस होगा। नंबर 1, विजयनगर की राजधानी हम्पी के अवशेषों की खोज अंग्रेज खोजकर्ता कॉलिन मैकेंजी ने सन 1800 में की थी। उसके बाद देश विदेश के इतिहासकार इस साम्राज्य का कालक्रमिक इतिहास जानने में लग गए। पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई में जो ऐतिहासिक अवशेष पाए उन्हें देख पूरी दुनिया के इतिहासकार दंग रह गए थे। इन अवशेषों को जानने और देखने के लिए विदेशों से कई इतिहासकार आए, लेकिन इससे पहले ही 15वीं और 16वीं सदी में आए इटली के व्यापारी निकोला दे कॉन्टी, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक, रूसी व्यापारी अफानासी निकितन, दुआर्ते बारबोसा, पुर्तगाली डोमिंगो पेस और फर्नोवो नूनिस ने इस साम्राज्य के बारे में आंखों देखी कई बातें पहले ही बता दी थी। इन यात्रियों के अनुभवों से 18वीं सदी के इतिहासकारों ने इसे अनोखे साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ जाना। नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य को कर्णाट साम्राज्य भी कहा गया और पुर्तगालियों द्वारा बिसनेर साम्राज्य भी कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के बारे में अनेक दंत कथाएं भी प्रचलित है। इतिहासकारों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में की थी। इससे पहले यह दोनों भाई कर्नाटक में काम्पिली राज्य के मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा काम्पिली पर विजय के बाद इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर जबरदस्ती मुस्लिम धर्म मानने पर मजबूर कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उनके गुरु विद्याधरण की मदद से न केवल उन्होंने खुद को आज़ाद कर लिया बल्कि इस्लाम धर्म से भी मुक्त होकर पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। इन्होंने तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर विजयनगर राज्य की नींव डाली और अपने राज्य का नाम अपने गुरु के नाम पर विजयनगर रखा। नंबर 3, दक्षिण भारत के इतिहास में यहीं से संगम शासन की शुरुआत मानी गई है। यह तुगलक साम्राज्य का समकालीन दौर था। आने वाले अगले 300 साल में विजयनगर साम्राज्य के अलग अलग शासकों ने दक्षिण भारत के एक बड़े भूभाग पर राज किया। उस समय विजयनगर साम्राज्य में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और यहाँ तक कि श्रीलंका का कुछ इलाका भी शामिल था। विजयनगर पर 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक 4 राजवंशों का राज रहा। पहला था संगम राजवंश, उनके बाद आए सालुव शासक और तीसरा था तुल्लुव वंश। विजयनगर पर राज करने वाले आखिरी और चौथे शासक हुए अरावीदु वंश। नंबर 4, विजयनगर साम्राज्य के शासक धन और वैभव के साथ साथ अपनी नायाब किलेबंदी और भव्य बाजारों के लिए भी प्रसिद्ध थे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने यहाँ के बाजार के बारे में लिखा है कि नगर में आगे जाने पर एक बहुत ही चौड़ी सड़क दिखाई देती है। सड़क के दोनों तरफ व्यापारी दिखते हैं। यहाँ आप सभी प्रकार के माणिक्य, हीरे, पन्ने, मोती, वस्त्र और पृथ्वी पर उपलब्ध हर चीज जिसे आप खरीदना चाहेंगे वो ही पाएंगे। पेस ने अपने आंखों देखे हाल में यह भी लिखा है कि हर शाम वहाँ एक मेला लगता है जहाँ घोड़े, टट्टू, कई तरह के तुरंज, नींबू, संतरे, अंगूर और हर तरह के फल और सब्जियां मिलते हैं। नंबर 5, तुलुव वंश का कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी और महाशक्तिशाली राजा बना। कृष्णदेव राय ने 1509 से लेकर 1539 तक शासन किया और विजयनगर को भारत का उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। बस उस समय दिल्ली ही एकमात्र स्वतंत्र राज्य बचा था। इन्होंने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी उन सभी में यह सफल रहे। उन्होंने ओडिशा के राजा को पराजित किया और विजयवाड़ा तथा राजमहेंद्री को आपस में जोड़ा। नंबर 6, कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर सैनिक दृष्टि से भारत का बहुत ही शक्तिशाली राज्य हो गया था। इसके शासनकाल में 1.5 लाख घुड़सवार,
88,000 पैदल सैनिक, 20,000 रथ, 64,000 हाथी और 15,000 तोपों की सेना मौजूद थी। विजयनगर की सेना में मुसलमान सैनिक तथा सेनापति कार्य करते रहे, परंतु इससे विजयनगर के मूल उद्देश्य में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 16वीं सदी में यूरोप से पुर्तगाली भी पश्चिमी किनारे पर आकर डेरा डाल चुके थे। उन्होंने कृष्णदेव राय से व्यापारिक संधि करने की विनती की, जिससे कि विजयनगर राज्य की श्रीवृद्धि हो सकती थी, लेकिन कृष्णदेव राय ने मना कर दिया और पुर्तगालियों सहित 42 विदेशी शक्तियों को भारत से खदेड़ कर बाहर किया। नंबर 7, विजयनगर की भव्यता देख पुर्तगाल के यात्री डोमिंगो पेस ने इसकी तुलना उस दौर में दुनिया के सबसे समर्थ माने जाने वाले रोम से की थी। पेस ने इस नगर को विश्व का सबसे अच्छा भंडारण वाला शहर बताया था। यहाँ के बाजार चावल, गेहूं, चना, भारतीय मकई, जौ और कई तरह की दालों से भरे रहते थे। पेस ने विजयनगर में हर चीज बेहद सस्ती होने का खास तौर पर जिक्र किया था। उस दौर में यहाँ आए एक और पुर्तगाल यात्री फर्नोवो नुनिस के यात्रा वृतांत से भी इस बात की तस्दीक होती है। विजयनगर के बाजारों में गैर शाकाहारी चीजें भी बहुत आयात में बिकती थी। नुनिस ने भेड़, बकरी, सुअर, हिरण का मांस, तीतर, खरगोश, कबूतर, बटेर और कई पक्षियों के अलावा चूहे, बिल्लियों और छिपकलियों तक के बिकने के बारे में लिखा है। नंबर 8, 15वीं शताब्दी में फारस के राजदूत अब्दुल रज्जाक भारत के कालीकट शहर आए थे। उस समय विजयनगर के शासक राजा देवराय द्वितीय थे। जब वो विजयनगर आए तो वहां का वैभव देखकर दंग रह गए। उन्होंने अपने दस्तावेजों में लिखा है कि विजयनगर के राजा ऊंचे ऊंचे 40 स्तंभों वाले आलिशान दरबार में बैठे थे। दरबार के दोनों तरफ कई ब्राह्मण और दूसरे लोग बैठे थे। राजा देवराय ने हरे साटन की चमकदार पोशाक और मोतियों का हार पहन रखा था। रज्जाक विजयनगर में एक साल तक रहे। उनके मुताबिक देवराय द्वितीय का राज्य श्रीलंका से गुलबर्ग और बंगाल से मालाबार तक फैला हुआ था। अपनी विजयनगर यात्रा के दौरान वहां के लोगों के रहन सहन और साज सज्जा देख वह हैरत में पड़ जाते। उन्होंने देखा कि राज्य का हर व्यक्ति सोने चांदी के आभूषण पहनता है। शहर में जगह जगह मंदिर, उद्यान और महलों का जिक्र रज्जाक ने सुखद आश्चर्य के साथ किया है। नंबर 9, राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर के नायाब किलेबंदी से भी चकित हो गए थे। वह बताते हैं कि विजयनगर की किलेबंदी 7 घेरों की थी। ऊंची दीवारों से न केवल किले को घेरा गया था, बल्कि शहर, कृषि क्षेत्र और जल स्रोतों की भी घेरेबंदी की गई थी। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती। इमारतों की चिनाई में गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ था। पत्थरों को एक दूसरे में फंसाकर जोड़ा जाता। दीवारों के अंदर मिट्टी और मलबा भरा जाता था। आज के इतिहासकारों को बड़ा कौतूहल है कि विजयनगर की किलेबंदी में खेतों को भी घेरने का क्या कारण हो सकता है। इसका अनुमान यह लगाया गया है कि जब आक्रमणकारी सेना किसी राज्य पर हमला करती थी तो सबसे पहले रसद पानी को बंद कर दिया जाता था। ऐसा घेराव कुछ महीनों से लेकर साल भर तक चलता, इसलिए विजयनगर में खेतों को भी घेरा गया था ताकि किसी बाहरी आक्रमण के समय खाने पीने की वस्तुओं की कमी नहीं हो जाए। नंबर 10, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। आपने उस हंसोड़ दरबारी की कहानियां तो सुनी होगी और किताबों में खूब पढ़ा होगा, तो ये हंसोड़ दरबारी थे तेनालीराम। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय और उनके सलाहकार तेनालीराम की मस्ती भरी कहानियां सबको लुभाती हैं। इनका नाम तो वैसे रामलिंगम था, लेकिन तेनाली गांव का होने के कारण सभी इन्हें तेनालीराम कहते थे। नंबर 11 है, विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय की मौत के बाद उन जैसा कोई प्रतापी राजा नहीं हुआ। कृष्णदेव राय के बाद अयोग्य शासकों ने विजयनगर पर शासन किया, लेकिन वह बाहरी आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर पाए। तुलुव वंश का अंतिम राजा सदाशिव परंपरा को कायम न रख सका। सदाशिव के बाद राम राय ही विजयनगर राज्य का स्वामी हुआ और इसे चौथे वंश अरविदु का प्रथम सम्राट भी मानते हैं। शताब्दियों से दक्षिण भारत के हिंदू नरेश इस्लाम का विरोध करते रहे थे, इस कारण उनकी बहमनी सुल्तानों से शत्रुता बढ़ती ही गई।
मुसलमानी सेना के पास अच्छी तोपें तथा हथियार थे, इसलिए विजयनगर राज्य के सैनिक इस्लामी बढ़ाव के सामने झुक गए। विजयनगर शासकों द्वारा नियुक्त मुसलमान सेनापतियों ने राजा को ही गिरवा दिया। सन 1565 ईस्वी में तलीकोट के युद्ध में रामराय मारा गया। मुसलमानी सेना ने विजयनगर को नष्ट कर दिया, जिससे दक्षिण भारत में भारतीय संस्कृति की क्षति हो गई। लगभग 225 वर्षों के बाद 1565 में राज्य की भारी पराजय हुई। हालांकि उसके बाद भी यह थोड़े रूप से 70 वर्ष तक और चला। कमजोर शासकों के कारण इसे साम्राज्य का पतन हो गया। नंबर 12 है, भारतीय संस्कृति के इतिहास में विजयनगर राज्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तुंगभद्रा नदी की घाटी में ब्राह्मण जैव तथा शैव धर्म के प्रचारकों ने कन्नड़ भाषा को अपनाया, जिसमें रामायण महाभारत तथा भागवत की रचना की गई है। अब तक का ज्ञात इतिहास यह बताता है कि समृद्धि, युद्ध कौशल, व्यापार, वास्तुकला, विशाल किलेबंदियां, जल प्रबंधन जैसे लगभग हर मामले में विजयनगर के शासक अपने वक्त से बहुत आगे थे। आज भले ही हम्पी विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, लेकिन मध्ययुग के इस दक्षिण भारतीय साम्राज्य का विस्तार जानने के लिए अभी और भी रिसर्च की दरकार है। क्या पता ऐसे शोध करने से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने वाला मिथक भी तब शायद विश्व इतिहास का हिस्सा बन जाए। विजयनगर साम्राज्य की अद्भुत वास्तुकला हमें दक्षिण भारत में बने स्मारकों और मंदिरों में आज भी देखने को मिलती है। दोस्तों, विशाल विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपके क्या विचार हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।